नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वक्री गुरु का फल। देव गुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं और वो 17 अक्टूबर 2021 तक वक्री रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति ये जो वक्री होने जा रहे हैं उसका प्रभाव कुंभ लगन व वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। कुंभ लगन का क्या अर्थ है कि आपकी ये जो लगन कुंडली है उसमें पहले भाव में 11 नंबर का अंक लिखा है, इसका अर्थ है आपका कुंभ लगन है, और चंद्रमा दशम भाव में 8 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी वृश्चिक राशि है, यानी कुंभ लगन वृश्चिक राशि। अगर आपका कम्बिनेशन कुंभ लगन और वृश्चिक राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप जो है मेरे चैनल पे आते हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, साथ ही साथ आपकी कोई ऐसी समस्या है जिससे आप परेशान हैं और उस जिसका आप हल चाहते हैं, तो आप वो प्रश्न अगर मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस दे सकते हैं और अपनी समस्या लिख सकते हैं। जैसे आपके पास जॉब नहीं है, या आपकी जॉब छूट गई है, या आपके व्यापार में प्रॉब्लम चल रही है, या शादी नहीं हो रही, या दंपति जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस तरह का कोई भी प्रश्न हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहाँ जवाब देने की कोशिश करूँगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कुंभ लगन और वृश्चिक राशि के लिए वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा। देव गुरु बृहस्पति है जो 20 जून से वक्री होने जा रहे हैं, दो राशियों में वक्री हो रहे हैं। 20 जून से लेकर 13 सितंबर तक तो ये कुंभ राशि में वक्री रहेंगे और उसके बाद ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 14 सितंबर से 17 अक्टूबर 2021 तक ये मकर राशि में वक्री रहेंगे। अगर हम ओवरऑल माने कि कुंभ लगन और वृश्चिक राशि के लिए गुरु का गोचर रिजल्ट कैसे दे रहा है, अगर हम सबसे पहले बात करें कुंभ लगन की, तो कुंभ लगन में आप देखिए कि गुरु अपनी मीन राशि से 12वें चल रहे हैं, मीन राशि से गुरु 12वें चल रहे हैं और अपनी धनु राशि से गुरु 3रे चल रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन को जो है भावार्थ रत्नागर में कहा गया है कि अगर ऐसी पोजीशन होती है तो ग्रह अच्छा फल देने की स्थिति में नहीं होता। बस गुरु की दृष्टियां शुभ हैं पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर, नवम भाव पर, यानी दो लक्ष्मी स्थान पंचम और नवम पर गुरु की दृष्टि सही है और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि सही है। तो इसका मतलब कुंभ लगन के लिए गुरु का गोचर इतना अच्छा नहीं है। अब हम बात करें वृश्चिक राशि से, तो वृश्चिक राशि से भी देव गुरु बृहस्पति इस समय कुंभ राशि में 4थे भाव में चल रहे हैं और उनका संबंध 6ठे भाव से भी और 8ठम भाव से भी है। वृश्चिक राशि के लिए भी समय काफ़ी टेंशन भरा है, उनके कामों में लगातार बाधाएं आ रही हैं। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किसी तरह का क्या डिसीजन लेना है। जॉब अगर जिनकी चली गई है उनको मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, कईयों को वर्तमान जॉब करने में प्रॉब्लम हो रही है, कईयों को वर्तमान जॉब में सैलरी नहीं मिल रही। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपका कुंभ लगन और वृश्चिक राशि का कम्बिनेशन बनता है तो ये कम्बिनेशन ऐसा है कि जिसमें गुरु की शुभता बिल्कुल नहीं है, यानी गुरु की सिर्फ दृष्टियाँ शुभ हैं कि गुरु अपनी शुभ दृष्टि दे रहे हैं। अगर गुरु की प्लेसमेंट की बात करें तो गुरु की प्लेसमेंट कुंभ लगन और वृश्चिक राशि से बिल्कुल सही नहीं है। अब अगर हम बात करें कि वक्री गुरु का क्या प्रभाव होगा, तो मेरे हिसाब से अगर हम कुंभ लगन और वृश्चिक राशि के लिए बात करें तो वक्री गुरु कुछ फल देगा, यानी पहले से पोजीशन आपकी 20 जून के बाद पहले से पोजीशन बेटर हो जानी है और दोनों लगन को अगर मिला लें, कुंभ लगन और वृश्चिक राशि को मिला लें, तो ये पोजीशन आपकी 50% इम्प्रूव होने वाली है। ये गुरु का वक्री होना आपको 50% तक रिजल्ट देने वाला है। तो सबसे पहले बात करें कि गुरु जो कुंभ राशि में वक्री हो रहे हैं 20 जून से 13 सितंबर तक, उनका रिजल्ट कैसे मिलने वाला है। पहली बात तो ये होगी कि भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, जिससे आपकी मेहनत का आपको फल मिलेगा। फाइनेंशियल पोजीशन में गुरु का वक्री होना आपकी इम्प्रूवमेंट लाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन में सुधार होगा। जो विवाह के इच्छुक हैं उनका विवाह तय हो सकता है, जो संतान प्लान करना चाहते हैं वो अपनी संतान प्लान कर सकते हैं। खर्चों की अधिकता इस समय बनी रहेगी क्योंकि गुरु वक्री होकर द्वादश से इफेक्ट देंगे, द्वादश का गुरु खर्चे बहुत अधिक कराता है। काम की अगर बात करें तो ये संकेत है कि इस समय क्योंकि कुंभ लगन में लग्नेश भी द्वादश है और यहाँ पे गुरु भी द्वादश चले जाएंगे और यहाँ पर गुरु जो है 4थे भाव में बैठे हैं, जो स्थान परिवर्तन का संकेत है। आप अगर अपने काम की तलाश कर रहे हैं, आपको जॉब की तलाश है, तो जॉब की तलाश पूरी हो सकती है, या तो आपकी विदेश यात्रा हो, या आप जिस स्थान पर रह रहे हैं, जिस जन्म स्थान पर हैं उस स्थान से आप दूर चले जाएं, यानी ये गुरु का गोचर आपके स्थान परिवर्तन का संकेत दे रहा है। इसके अलावा जो अपने मकान बनवाना चाहते थे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते थे, प्रॉपर्टी में निवेश का बहुत अच्छा अवसर है। यहाँ से भी गुरु 4थे भाव में चल रहे हैं, यहाँ से गुरु 12वें घर का इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी में निवेश का या मकान खरीदने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि गुरु द्वादश से इफेक्ट दे रहे हैं, यहाँ से भी गुरु का संबंध अष्टम भाव से है और यहाँ से भी गुरु का संबंध अष्टम भाव से है, तो इसलिए अगर आपका कोई कोर्ट केस की डेट आती है 20 जून से लेकर 13 सितंबर तक, तो उसमें आप सावधानी बरतिएगा।
अब हम बात करें देव गुरु बृहस्पति के मकर राशि में भ्रमण का, जो होगा 14 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। उसमें जब गुरु वक्री रहेंगे तो क्या रिजल्ट होगा? पहला रिजल्ट होगा धन के लिए शुभ होगा। गुरु यहाँ से रिजल्ट देंगे तो उनकी धन भाव पर दृष्टि होगी, लाभ भाव पर दृष्टि होगी। गुरु मकर राशि में यहाँ से वक्री होंगे तो उनका एकादश भाव से भ्रमण होगा। एकादश भाव धन भाव के लिए है तो कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर मकर राशि में धन के लिए शुभ रहेगा। ये समय ऐसा होगा जब आप अपने व्यापार में इन्वेस्टमेंट करके लाभ उठा सकते हैं। मकान या प्रॉपर्टी में निवेश का अवसर यहाँ भी आपको मिलेगा, यहाँ भी मकान खरीदने का अवसर मिलेगा, मकान खरीद सकते हैं। ये समय थोड़ा कैरियर के लिए ज़्यादा शुभ रहेगा क्योंकि यहाँ से गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी जो दशम से दशम है, और यहाँ से गुरु जो एकादश भाव से फल देंगे वो आपको कैरियर से जुड़ा कुछ शुभ रिजल्ट देंगे। आप कैरियर को लेकर कोई डिसीजन ले सकते हैं। हो सकता है आपको नई जॉब के अवसर मिले, पर तब ध्यान रखिएगा वो जॉब मिलेगी आपको दूर, आपको वो जॉब जो है जन्म स्थान से दूर मिलने की संभावना ज़्यादा है। और हो सकता है जो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो हो सकता है कि वर्तमान नौकरी में आपका ट्रांसफर हो जाए। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था। कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना शुभ रहेगा क्योंकि कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि वो कम्बिनेशन है जिसमें गुरु की प्लेसमेंट ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसलिए कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि के जातक सफर कर रहे हैं क्योंकि कुंभ लग्न से द्वादश भाव में इस समय शनि चल रहे हैं जो 7.5 का इफेक्ट दे रहे हैं। वृश्चिक राशि से के जातक, उनका जो पंचमेश और जो धनेश है वो अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा। उसकी कनेक्टिविटी अष्टम और द्वादश भाव से है जिसके कारण वृश्चिक राशि के जातक धन की कमी महसूस कर रहे हैं। तो लेकिन ये गुरु का जो 20 जून से जो गुरु वक्री हो रहे हैं, 17 अक्टूबर तक गुरु वक्री रहेंगे, वो आपके लिए थोड़ा पॉजिटिव रहेगा और आपके रिजल्ट 50% आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आने की संभावना है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता।